तो भाई देखो बुमला का हाल, स्नो ही स्नो हो रखी है रोड पे। और यहाँ से रह गया गाइस 6.8 किलोमीटर्स, पहुँच जाएंगे गाइस लग रहा है, बस ब्लैक आइस ना हो। नहीं, hey my YouTube family, again हमारी बाइक में पंचर हो गया है और अभी हमने हेल्प बुलवाई है फ़ोन करके। भैया को मैंने कॉल कर दिया था तो वो जसवंतगढ़ से किसी को भेज रहे हैं नीचे, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास वैसे सारी टूल किट है ही और यहाँ पे वैसे सर हैं आर्मी के, तो वो हमारी हेल्प के लिए हैं। पीछे गाड़ी भी खड़ी हुई है तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा आराम। तो हे गाइस, मैं हूँ आर्मी ट्रक में और बेबू से लेके आ गई, टायर ठीक हो गया है। और मैं गाइस आर्मी ऑफिसर को शूट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है आर्मी ट्रक में बैठे। तो गाइस हमने बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करी है अभी वाटरफॉल के, और मेरे बिल्कुल व्हाइट हो रखा है, बिल्कुल व्हाइट नहीं दिख रही है मेरे को, पट्टी दिख रही है विजिबिलिटी। ओ ये है गेट गाइस, वेलकम टू सीला, 13,700 फीट, वेलकम टू तवांग। आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत सुन्न हो चुके हैं हाथ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है फ्रीज बिल्कुल। हाँ चलें, ठंड जम गए भाई, जम गए भगलो। तो गाइस अम्ब्रेला लेके आए हैं आर्मी ऑफिसर का, हाँ कोई है नहीं यहाँ पे और बारिश हो रही है बहुत तेज, फिसलन भी हो रही है थोड़ी सी। बस हम निकलेंगे गाइस यहाँ से फटाफट, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। हाँ जी, हाँ बहुत अम्ब्रेला मिल गया, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, काफी बड़ा अम्ब्रेला है ये देखो, बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है। मेरा ही सामने माधुरी लेक, ये माधुरी लेक। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, एक पॉइंट आया है रास्ते में, एक ब्रिज है, सिर्फ एक ही बंदा ही निकल पाएगा, देखो कितना पतला है, लोहे का बना हुआ है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलते हैं। गाइस अभी हम हैं डबल डेकर पे, वो हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, एक और एक दो और गाइस हम लोग पहुंच गए बोटिंग करने, और मेरे पीछे है रिवर और बहुत ही अच्छी है, और हमने बोट भी ले लिया है और अब हम जा रहे हैं दोनों बोटिंग करने के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, बेबू ने लाइफ जैकेट पहन ली, मैं पीछे फिर गिरती। सो गाइस हमने अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करी, और ये पीछे एक वाटरफॉल है जैसे कि बेबू आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे ना बोट ना
इतनी ज्यादा हिलने लगी थी ना कि मेरे को इतना डर लगा, इतना ज्यादा डर लगा कि मैं नहीं बता सकती वो फीलिंग। मुझे लगा हम बोट ऐसे ना हो जाए लिटरली। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं क्रांगपुरी वाटरफॉल, जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में, अल्टीमेट लग रहा है एकदम। दिखाता हूँ अभी आपको, शानदार एकदम।